कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में भी पांच नीरव मोदी हैं, जिन्होंने बैंक को 120 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। लगभग 560 करोड़ रुपए के नॉन प्रोसेसिंग असेसमेंट में 20% इन्हीं की देन है। अंब की एक फर्म ने 68 करोड़ का लोन लिया है, लेकिन वर्ष 2015 से किस्त नहीं चुकाई है। इसके अलावा पालमपुर के एक होटलर ने 28 करोड़ का कर्ज लिया है, लेकिन वर्ष 2016 से पैसे लौटाना बंद कर दिए हैं। धर्मशाला के पास सिद्धिबाड़ी का एक होटलियर पिछले 5 साल से 10 करोड़ का लोन नहीं चुका रहा है। धर्मशाला के ही एक संस्थान 3 साल से कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का 3 करोड़ लोन वापस नहीं कर रही है। हमीरपुर की एक संस्था पिछले 3 वर्षों से कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के 11 करोड़ का लोन दबा कर बैठी है। कांगड़ा जिला के योल, चैड़ी, पालमपुर, ऊना जिला का एक और हमीरपुर जिला का एक शाखा का एनपीए इन्हीं 5 डिफॉल्टरों ने बढ़ा रखा है। इस बारे में जब कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन जगदीश सिपैया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बैंक का सारा पैसा वापस आता है। उन्होंने कहा कि बैंक असूलों के तहत काम करता है, तो अगर बैंक ने उसको 68 करोड़ रुपए दिए होंगे तो बैंक ने उसकी 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति भी गिरवी रखी होगी। उन्होंने साफ किया कि ये जितने भी लोन हैं ये उनके कार्यकाल के नहीं हैं। ये लोन पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में दिए गए थे, लेकिन फिर भी बैंक प्रबंधन ने उन पर पूरी नजर रखी हुई है। उस लोगों को ही 120 करोड़ से ऊपर का फायदा दिया है। एक बंदे को ही जो है वो आम से है 60 करोड़ का फायदा दिया है, तो सर वो पैसा क्या वापस आया नहीं आया? पहले तो मैं कहूँगा बैंक का हर पैसा वापस आता है। बैंक ने असूलों के तहत काम करता है। अगर हम उसको 60 करोड़ दिए होगा तो उसके 100 करोड़ से ऊपर हमने उसकी संपत्ति रखी होगी। पर मैं ये कह सकता हूँ ये जितने भी लोन हैं जिनके पीछे पत्रकारों में भी चर्चा हुई, ये मेरे बोर्ड बनने से पहले के लोन हैं। और ये जितने बोर्ड हैं, जितने लोन हैं, हमने इस पर पूरी नज़र रखी हुई है। कहीं हमने कोर्ट केस लगाए हैं और जो अनियमितताएँ पूरी नहीं करेगा उसके फोर लगाएंगे। बैंक अपना काम कर रहा है, बोर्ड अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये छींटा काशी करने वाले लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ, मेरे बोर्ड ने नहीं दिए, पिछले लोगों ने दिए। गौरतलब है कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में एनपीए का खेल लंबे समय से चला रहा है। बैंक की पालमपुर और अंब शाखाओं का एनपीए 50% से भी पार हो गया है। मतलब बैंक ने ये मान लिया है कि इन शाखाओं की ओर से बांटे गए 50% ऋण डूब सकते हैं। इसके अलावा बैंक की कई शाखाओं का एनपीए 25% से ज्यादा है।